जिस देश ने हमको 200 साल तक राज किया, ब्रिटानिया, ब्रिटेन, आज इस मंदी के जमाने में भी भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की पांचवी नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हो गया। आज जब अमेरिका इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, रशिया इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, वहां भारत अपने इन्फ्लेशन को स्टेबिलिटी के साथ देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव पर रखने का काम कर रहा है। अगर आज मैं बात करूं तो सिर्फ इतना ही नहीं है, आज हम स्टील में दुनिया के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। 8 सालों के अंदर जो देश 52% मोबाइल बाहर से लाता था, आज यह देश 97% मोबाइल भारत में बना रहा है और दुनिया को सप्लाई कर रहा है। केमिकल में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, फार्मास्यूटिकल्स में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, स्टील में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर। इसलिए आज अर्थव्यवस्था के दृष्टि से देखा जाए तो जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, वहां हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए।